अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा वेदर इतना अच्छा है तो आज क्यों ना आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाई जाए ना। तो मैं अपनी ज्वेलरी निकाल के बैठी हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी मैं अपनी ज्वेलरी निकालती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत केयर से अपनी टिश्यू में करके, और कुछ ये नई ज्वेलरी है और कुछ मेरी बहुत पुरानी ज्वेलरी है, लेकिन मैंने इसको बहुत केयर से रखा है तो ये अभी भी एज इट इज़ है। और ये मेरा ट्रेजर बॉक्स है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं पुरानी जो है उनको संभाल। चले अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ये देखी, ये अभी तो मैंने अभी लिया था, आजकल बहुत फैशन में है ना। बच्चों से ज्वेलरी को बचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो बच्चा जिसको शौक होता है ना वो बचा लेता है। बस मुझे बहुत शौक है ना, मैं इनको संभाल संभाल करती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, मैं जब भी ये पहनती हूँ और देखती हूँ कितना अच्छा लगता है। ये बहुत ये नेकलेस और इसके छोटे छोटे से इयररिंग, ये थोड़ा हैवी है लेकिन इसीलिए इसके इयररिंग इतने छोटे छोटे से हैं क्योंकि ये बहुत हैवी नेकलेस है। अच्छा ये देखिए, मैंने इस्लामाबाद से लिया था, शायद बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसको तो लिए हुए, शायद मुझे 10 ईयर्स हो गए, मुझे याद ही नहीं है। मैंने एसेसरीज से लिया था ये, लेकिन ये एज इट इज़ है, इतने अरसा मतलब ईयर्स हो गए तो फिर भी ये एज इट इज़ है जैसे मैंने लिया था। ये देखिए इसका ब्रेसलेट है और ये इसके इयररिंग हमेशा ऐसे रखती है। भी आपको भी थोड़ी दिखाएंगे, क्लिप हो गए उसकी पोनी बीच बीच में, वो भी कहती है मामा ये मेरे संभाल। अच्छा देखिए इसका कितना मज़ेदार सा लॉक है ना, ये देखिए कैसे। मैं पहले जब इसको बाय किया ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको बंद कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, कि मैं इसको ये देखिए इस तरह से ये ओपन होता है और इस तरह से सादी ज्वेलरी नहीं, क्योंकि मेरे पास बेतहाशा ज्वेलरी है, मैं सारी तो दिखा नहीं सकती। अगर मैं सारी दिखाने बैठी तो मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा अब आप ये देखेंगे आगे, ये हमारा ट्रेडिशनल टाइप का नेकलेस होता है ना, जिसको क्या कहते हैं गुलू बन कहते हैं, आई डोंट नो। और इसके छोटे छोटे से ये टॉप से, ये तो मैं भी लेके आई हूँ, इस्लामाबाद गई थी तो वहाँ मुझे अच्छे लगे हैं ज्वेलरी शॉप से, तो मैंने वहाँ से बाय किया। अच्छा अब ये देखिए, ये मेरा नेकलेस है, और ये खोलना बंद करने में ही आधी वीडियो तो मेरी शायद इसी में गुजर जाएगी, कैसे खोलना है और कैसे बंद करना है। ये देखिए कॉपर कलर में और इतना हैवी है, लेकिन जब ये पहने ना तो ये इतना प्यारा लगता है। जब मैं ये पहनती हूँ फिर मैं कानों में अपने इयररिंग नहीं पहनती हूँ क्योंकि बहुत हैवी है। अच्छा और ये देखिए ये कितना मज़ेदार सा है ना, ये जॉइंट है इसमें, वन ये 1 2 3 3 लेयर्स है इसमें, 3 लेयर्स हैं। ये देखें स्टोन्स दिखते हैं, और ये इस तरह से पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है इसका, जिसे आप लॉन के ड्रेसेस के साथ आप इसको पहन सकते हैं। और अच्छा ये देखिए कितने बड़ी पैसे की ये बालियाँ हैं मेरी, ये आप सादे ड्रेसेस के साथ ये पहन लें, नेकलेस ना पहने, चेन पहने और ये पहन लें तो बड़ा ही कूल सा एक लगता है ना। अच्छा जी एक नेकलेस ये है मेरे पास, नेकलेस की मेरे पास इतनी वैरायटी है ना, हर तरह का नेकलेस है। ये है ये लाइट सा है, अच्छा जी चेन्स ये देखना,
गिफ्ट मिला था ये वुडन है ना, लकड़ी पे बना हुआ। अच्छा जी, इसमें क्या है? मैं ग्रॉसरी भी लेने जाती हूँ ना, अगर ना ही तो मैं कोशिश होती है कि वहां से भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैं बाय ही कर दूं। और ये देखिए मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ, ये मैंने वेयर नहीं किया ये नेकलेस, और ये मैंने कहाँ से लिया था, लाइम लाइट से आई थिंक ये बाय किया था और इसका वो निकल गया है। ये भी मैं पहले मैंने संभाल कर रखी थी, मैं लगा दूँ इसका। चलो तो पहनने में आ जाएगा, एक दफ़ा तो क्योंकि नहीं पहनते मैंने। अच्छा देखिए पास से ही मैंने नानी से लिया था ब्रेसलेट, ऐसी पैक करके लिया। देखिए ट्रेजर बॉक्स में कितनी सारी चीज़ें निकल आई, मुझे तो खुद नहीं याद था कि इतनी सारी ज्वेलरी मैंने इतनी सारी ज्वेलरी और मजीद इसके अंदर मुझे अभी चीज़ें दिख रही हैं। मैं सोच रही हूँ मैं सारे फैला लूँगी, उसके बाद जब मैं समेटूँगी ना बहुत मज़ा आएगा फिर मुझे, जब बच्चे साथ में मुझे तंग कर रहे हैं। ये भी आई थिंक मैंने लाइम लाइट से लिया था। ब्लू रेड और ये ट्रेडिशनल टाइप के, ये देखें झुमके तो नहीं, बालियां हैं बड़ी बड़ी ना, शादी की है भाई, शादी में जाना हो मुझसे कोई ले लीजिए पहनने के लिए, किसी को चाहिए हो तो। ये देखें पर पहने नहीं जाते, इतनी हैवी होते हैं ना ये चीजें कि आप पहन नहीं सकते। ये टीका है मेरा, मैं तो लगाना खैर छोड़ ही दिया, टीका भी झूमर उमर इतनी, अभी शादियों में भी वो मजा नहीं रहा और वो चीजें दिल नहीं चाहता कि बंदा पहने। ये मेरी पर्ल की ये माला है और ये एक ये है, ये इस तरह से आप। अच्छा और मैं अब आपको अपनी मालाएं दिखाती हूँ, मालाएं भी बहुत है मुझे, मोतियों वाले जो है ना चीजें वो भी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना स्टोन्स के साथ साथ। ये देखिए ये है मेरे पास, इसको आप डबल करके और फिर पहने। ये है, ये है, ये भी मैंने अभी पहना ही नहीं, ये भी नेक का ही है। किस कदर कलरफुल, जब मैं पहनती हूँ ना तो ये कहते हैं ये इतना कलरफुल क्यों पहना, लेकिन मुझे अच्छी लगती है कलरफुल चीजें, इसलिए कलर से ही तो देखिए मेरी जिंदगी का पता चलता है, खुशियों का, हर चीज का। अच्छा मैं और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरह से करके ये बना बना के अपनी ज्वेलरी के रखे हुए हैं। ये जे डॉट से हमने मैंने झुमकियाँ ली थी वो मैंने रखी हुई अपने वहाँ के उसका है। अच्छा ये देखिए ये है, ये कितना प्यारा था, ये मैंने निशात से लिया था, निशात लीडर है वहाँ से। अच्छा अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सारे जो है ना कुछ स्टोन्स के नहीं है, ये कुछ पत्थर के हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ये सारे, ये इसलिए बने। देखिए ये मैंने लिया है, पर्ल्स के हैं कुछ और देखिए मैंने किस तरह से अपने बैग्स डब्बे के जूते के अंदर करके उसमें पैकेट्स में करके और बड़ी हिफाजत से रखे हुए ताकि खराब ना हो और रिजर्वमेंट की बिल्कुल भी हाथ ना लगे। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत मेरी पर्ल की ना माला है, इसका माला ही कहेंगे, ये भी है और मैं आपको और दिखाती हूँ ब्राउन है। ये तो इतनी हैवी और ये बहुत इतनी
खूबसूरत लगती है ये कि आप लॉन के ड्रेस के साथ भी इसको पहन सकते हैं। हैवी ड्रेसेस के साथ भी, और लॉन में ज्यादातर हैवी ड्रेसेस के साथ सिर्फ चेन ले लो तो वो भी अच्छी लगती है। जो लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना, उसी के लिए बेसिकली हमें चाहिए होती है कि कोई ऐसे अगर हम कहीं जाएं भी तो लॉन के ड्रेसेस के साथ अच्छी लगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये है ब्राउन कलर की कॉफी कलर है इसका। मैंने कितने पैकेट जमा किए थे, जो भी मुझे अच्छा पैकेट लगता है ना मैं उसको रख देती हूँ क्योंकि मैं अपनी ज्वेलरी इसमें सेव कर लूंगी। और मैंने ऐसे ये देखिए, मैंने बॉक्सेस भी मंगाए, जो छोटी ज्वेलरी होती है ना वो मैं इन बॉक्सेस में रखती हूँ। मैं इसको कंप्लीट जब दिखा दूंगी या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर जो और मजीद ज्वेलरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपने और मेरी ज्वेलरी देखनी है ये वाली बॉक्सेस की, तो फिर मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।